प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भरद्वाज आप सभी लोगों का एस्ट्रो तक में स्वागत करता हूँ। राम नवमी की हार्दिक शुभकामना। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समान पुत्र आपको मिले, इसलिए आज का यह खास कार्यक्रम मैं लेके आया हूँ। राम नवमी में करें यह खास विधि, यह खास पूजा, खास कार्य, जिससे कि आपकी संतान भगवान राम और माता सीता जैसे आदर्शवान प्राप्त हो। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान राम का जन्म हुआ था, और वही भगवान प्रभु राम निश्चित रूप से जो अपनी मर्यादाओं को स्थापित किए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम इस धरा धाम पे ना आए होते तो व्यक्ति को निश्चित रूप से परिवार की मर्यादाएं मालूम नहीं होती। एक भाई के प्रति क्या मर्यादा होनी चाहिए, एक पति को पत्नी के प्रति क्या मर्यादा होनी चाहिए, एक व्यक्ति को समाज के प्रति कैसे मर्यादित रहना है, ये प्रभु राम ने ही हमें सीख दी थी। राम नवमी में आप भगवान राम का पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने परिवार में मर्यादा स्थापित करते हैं। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। आपका बच्चा निश्चित रूप के से राम के आदर्शों को सीखता है, सीता के आदर्शों को सीखता है। तो राम नवमी के मध्याह्न में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये राम जन्म का उत्सव का यह जो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया एक तरह से छंद है, इसका पाठ मात्र कर लेने से, देखिए ये खास तिथि है, खास नक्षत्र है, खास मुहूर्त है, आप इस पाठ को, इस चौपाई को, दोहे को पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ प्रभु राम और जगत जननी माता सीता का ध्यान करते हुए अपने बच्चों के लिए यदि इसका पाठ करते हैं तो राम जैसा मर्यादित पुत्र और सीता जैसी मर्यादित पुत्री निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी। भगवान राम माता सीता की अनुकंपा कृपा आशीर्वाद आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।